दोस्तों स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INDI हिंदी टेक में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से यदि आप शॉपिंग वगैरह करती हैं तो उस पर मिलने वाला कैशबैक जो है वो कब क्रेडिट किया जाता है आपके अकाउंट में और किस तरह से यहां पर क्रेडिट किया जाता है। फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर जो मिलने वाला कैशबैक है इसके लिए आपको क्या कुछ करना पड़ता है या फिर नहीं करना पड़ता है, तो अभी जो आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है फ्लिपकार्ट का ऑफिशियल एप्लीकेशन है, बिल्कुल होम पेज पर हम आ चुके हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि फ्लिपकार्ट की तरफ से वीक दिवाली सेल एक बार फिर से यहाँ पर लाई जा रही है जो कि 21 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक चलेगी। तो इसके बीच में आपको SBI क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड पर 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड से यानी कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से परचेस करेंगे तो 5% का कैशबैक आपको देखने को मिलेगा। चलिए हम आपको ऑर्डर स्टेटस दिखा देते हैं, ऑर्डर हिस्ट्री दिखा देते हैं। यहाँ पर हम कोई एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रोडक्ट को हमने 3 अक्टूबर को ऑर्डर किया जो कि 7 अक्टूबर को डिलीवर्ड हो चुका है। अब यहाँ पर हम स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आए हैं। आने के बाद आप देख सकते हैं 5% का अनलिमिटेड कैशबैक ऑन फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड जो लिखा गया है वो यहाँ पर नीचे में लिखा गया है कि एडजस्टेड इन योर नवंबर स्टेटमेंट, यानी कि हमने अक्टूबर मंथ में परचेस किया और ये नवंबर के स्टेटमेंट में एडजस्ट किया जाएगा। टर्म एंड कंडीशन आप यहां से चाहे तो रीड कर सकते हैं। टर्म एंड कंडीशन में पूरा स्पष्ट रूप से बताया गया है। आप सभी को पता ही होगा कि फ्लिपकार्ट पर अगर आप परचेस करोगे तो 5% का कैशबैक आपको मिलेगा, अगर प्रीफर्ड मर्चेंट पर परचेस करोगे तो 4% का कैशबैक और सभी अदर यानी कि सभी दूसरे मर्चेंट पर परचेस करोगे तो 1.5% का कैशबैक आपको मिलेगा फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से। दोस्तों यहां पर आप सभी को तो ये पता ही होगा कि किस तरह से यहां पर अप्लाई किया जाता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड कैसे लेना होता है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो को और अप्लाई भी कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर पूरा विस्तार के साथ बताया गया है कि यदि कस्टमर 50,000 रुपये का परचेस करता है तो उसे जो है किस प्रकार से कैशबैक दिए जाएंगे। जैसे मान के चलो फ्लिपकार्ट पर आपने 10,000 रुपये का शॉपिंग किया और प्रीफर्ड मर्चेंट पर 5,000 रुपये का शॉपिंग किया और अदर में कहीं भी आप 1,000 रुपये स्पेंड किए तो आपको जो कैशबैक मिलेगा वो यहाँ पर फ्लिपकार्ट पर परचेस करने के लिए 5% के अनुसार से 500 रुपये और यहाँ पर प्रीफर्ड मर्चेंट पर 5,000 का शॉपिंग किए हैं या फिर परचेस किए हैं तो 4% के अनुसार से 200 रुपये और अदर पर 25,000 रुपये स्पेंड किए हैं तो 1.5% के अनुसार से 375 रुपये दिए जाएंगे जो कि टोटल कैशबैक 1,075 रुपये होता है। तो अगर आप इस मंथ में फ्लिपकार्ट या फिर अदर प्रीफर्ड मर्चेंट पर या फिर अदर कहीं भी स्पेंड किए हो तो तीनों मिलाकर जो कैशबैक होगा वो आपके नेक्स्ट मंथ के बिल स्टेटमेंट में क्रेडिट किया जाएगा और जो भी बिल बनेगा ना आपका उसमें जो है यहां पर माइनस ऑलरेडी हो जाएगा। और भी यहाँ पर विशेष जानकारी दिया गया है, पूरे विस्तार के साथ बताया गया है। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि अगर हम अक्टूबर मंथ में मतलब मान के चलो 12 तारीख के बाद या फिर 15 तारीख के बाद परचेज करते हैं तो क्या वो नवंबर मंथ के स्टेटमेंट में कैशबैक क्रेडिट किया जाएगा, तो जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि आप 12 तारीख या फिर 15 तारीख से पहले परचेज करते हो अक्टूबर मंथ में तो वो जो कैशबैक है ना वो आपको नवंबर मंथ के स्टेटमेंट में देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आप 12 तारीख के बाद या फिर 15 तारीख के बाद अक्टूबर मंथ में परचेस करोगे तो वो जो कैशबैक होगा वो आपके दिसंबर मंथ के स्टेटमेंट में नजर आएगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि बैंकों की एक रूल होती है। जैसे एक्सिस बैंक की बात करें तो 12 तारीख तक जो भी आप स्पेंड करोगे अपने क्रेडिट कार्ड से वो जो है आपको नेक्स्ट मंथ के स्टेटमेंट में नजर आ जाएगी। वही 12 तारीख के बाद अगर आप स्पेंड करोगे तो वो नेक्स्ट मंथ में नहीं बल्कि उससे भी नेक्स्ट मंथ में वो स्टेटमेंट में नजर आएगी। तो यही प्रक्रिया है और इसी वजह से आपका जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से निकाले जाएंगे और कैशबैक को क्रेडिट किया जाएगा।
तो इस वीडियो में हमने आपको स्पष्ट रूप से सारा जानकारी दे दिया है। फिर भी अगर आपके दिल में इस तरह के कोई क्वेश्चंस है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के कैशबैक या फिर इसके ऑफर से जुड़ी कोई भी क्वेश्चंस है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर हमसे पूछ सकती हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसका टर्म एंड कंडीशन को खुद रीड कर सकती हैं। जो भी इम्पोर्टेंट बातें था वो हमने आपको बता दिया। तो आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको मालूम भी चल गया होगा कि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड से यदि आप शॉपिंग करेंगे तो यह कैशबैक किस तरह से क्रेडिट किया जाता है। ये कोई बैंक अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया जाएगा, आपके क्रेडिट कार्ड के स्टेटमेंट में ही क्रेडिट किया जाएगा, क्रेडिट कार्ड पर ही क्रेडिट किया जाएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि यहां पर जब भी आप स्पेंड करोगे ना उधर से मैसेज जरूर आएगा। जैसे फ्लिपकार्ट पर अगर आप शॉपिंग करोगे तो मैसेज आएगा कि आप जो है एलिजिबल है 5% के कैशबैक के लिए। अगर प्रीफर्ड मर्चेंट पर शॉपिंग करोगे तो 4% वाला मैसेज आएगा। अगर अदर कहीं पर भी स्पेंड करोगे तो 1.5% का यहां पर मैसेज आपको मिल जाएगा। आपको कैशबैक लेने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, कोई भी नेक्स्ट प्रोसेस नहीं करना है, सिर्फ आपको शॉपिंग करना पड़ेगा। याद रहे कि फ्लिपकार्ट का अगर गिफ्ट कार्ड वगैरह परचेस करोगे तो आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और साथ ही साथ उस क्रेडिट कार्ड से किसी भी वॉलेट पर लोड मनी करोगे तो आप कैशबैक के लिए एलिजिबल नहीं होगे। लेकिन एक दो वॉलेट अभी भी ऐसा है जहां पर लोड मनी करोगे तो 1.5% के अनुसार से कैशबैक के लिए आप एलिजिबल जरूर होगे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको सारा जानकारी दे दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए गुड बाय।